हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ शॉर्ट हेयर में हम हेयर बन कैसे बनाएं। तो आज का जो हेयर बन है इसे हम सिर्फ एक मिनट में बनाकर रेडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको दिख रहा है कि मेरे हेयर्स बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, तो सामने की तरफ हेयर्स को टू पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और जो छोटे हेयर्स हैं उनको हम दोनों साइड इस तरीके से निकाल कर छोड़ देंगे। और उसके बाद जो पीछे के हेयर्स हैं हम एक पोनीटेल बना लेंगे और उसके बाद एक डोनट लेकर हम यहाँ पर सेट कर देंगे। तो डोनट में मैंने कोई यूपन का यूज़ नहीं किया है और उसके बाद एक हम रबर बैंड लेकर डोनट के ऊपर इस तरीके से कवर कर देंगे। तो पहले हेयर्स को अच्छे से सेट कर लीजिए और डोनट के ऊपर हाथ रखते हुए रबर बैंड को इस तरीके से चढ़ा दीजिए। तो आज की ये मेरी हेयर स्टाइल यहाँ पर कर रही है छवि। तो अभी तक मैंने जो भी हेयर स्टाइल के वीडियो शेयर किए थे तो मैंने पहले छवि के ऊपर ट्राई किए थे और ये आज का हेयर स्टाइल छवि कर रही है। और अगर आपको लगता है कि आपके हेयर्स इधर उधर रह भी गए हैं तो आप उन्हें खिसकाकर अच्छे से सेट कर सकते हैं। और उसके बाद पहले जो सामने की तरफ हमने हेयर्स छोड़े थे उनको हम कॉम कर अच्छे से ऊपर की तरफ, आप चाहें तो पहले पफ बना सकते हैं या फिर आप उनको प्लेन भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई मांग टीका सेट करना हो तो आप पहले बीच में जहां हमने मांग निकाली हुई थी वहां पर टीका रखते हुए उसको सेट कर फिर हेयर्स को उठाते हुए सेट कर सकते हैं। और यहां पर पहले मैंने हेयर्स को अच्छे से कॉम किया, उसके बाद टिकटॉक पिन से हेयर्स को सेट कर दिया। और उसके बाद जो पीछे के मेरे छोटे वाले हेयर्स हैं इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया और उनको ट्विस्ट किया और एक साइड से रोल करते हुए इस तरीके से टिकटॉक पिन से सेट कर दिया। और उसके बाद जो दूसरी साइड के हेयर्स बचे हुए थे उनको भी ट्विस्ट किया, फिर उनको दूसरी साइड से दोनों को अपोजिट साइड में हमने राउंड किया है और हम टिकटॉक पिन से सेट कर देंगे। तो मैं एक बार आपको पास से अभी दिखाऊंगी कि ये हेयर स्टाइल कैसी बनी है। और आप चाहें तो यहाँ पर एक कुछ भी पिन लगा सकते हैं, जो भी आपको लगाना पसंद हो, या फिर आप पूरे ही जोड़े में कलरफुल पिन्स का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्टोन वाले पिन्स का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको करना पसंद हो, या फिर आप एक जुड़े को ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और डेली में भी ये वाला जुड़ा बहुत अच्छा रहता है, जिनको इस तरीके का जुड़ा बनाना पसंद है तो आप इसे बना सकते हैं। और मैं आपको पिक के थ्रू दिखा रही हूँ कि ये जुड़ा किस तरीके का लग रहा था, क्योंकि कैमरे में थोड़ा सा दूर से अच्छे से नहीं दिख पाता है तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। और उसके साथ ही जैसे कि अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है और दिवाली आने वाली है, करवा चौथ आने वाली है, तो काफ़ी सारे लोग गजरा लगाना पसंद करते हैं। तो जिनके छोटे हेयर्स होते हैं सोचते हैं कि हम अपना हेयर बन कैसे बनाएं और इतने छोटे बालों में मेरा हेयर बन कैसे बन पाएगा, बहुत लोगों का मन होता है। तो लोग अपना मन मार के रह जाते हैं, बट अब बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी पार्लर में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आप अपने आप भी इस जुड़े को बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक ये मार्केट का आर्टिफिशियल गजरा लिया है, इसको लगाया है, बट फेस्टिवल टाइम पर बहुत ही अच्छे गजरे मिलते हैं और इजीली आप उस गजरे को इस जुड़े के ऊपर सेट कर सकते हैं। बस मैंने आपके साथ यहाँ पर डेमो शेयर करने के लिए इस गजरे का यूज़ किया है, बट ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोगों को भी नहीं लग रहा होगा। और इसके साथ ही आप रोज़ लगा सकते हैं जुड़े में, प्लेन जुड़े में भी रोज़ लगा सकते हैं, कोई भी गजरा वगैरह नहीं लगाकर, कोई भी और भी एक्स्ट्रा पिन्स ना लगाकर और बिना यू पिन के ही आप इस जुड़े को बना सकते हैं। तो फ्रंट से ये कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये हेयर स्टाइल पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। आगे मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।